हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसा शैम्पू शेयर कर रही हूँ ना, जो आपके बालों के लिए एकदम मैजिकल वर्क करेगा। शैम्पू आपका वही होगा जो आप यूज़ करते हो, लेकिन उसका यूज़ करने का तरीका कुछ अलग होगा। अक्सर हमारे बालों को धोने के साथ हमारे बालों के बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। बाल धोने का ये तरीका अगर आपने ट्राई कर लिया ना, तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे। ये आपके बालों को लंबा, घना और शाइनी भी बनाता है और आपके बालों का झड़ना भी रोकता है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसको बनाना कैसे है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे बहुत सारी ईजी और इफेक्टिव होम रेमेडी देखने के लिए। तो इसको बनाने के लिए आपको लेना है शैम्पू। जो शैम्पू आप यूज करते हो वो आप ले लेना अपने बालों के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे क्लिनिक प्लस एक प्रोटीन शैम्पू का यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ आमला, रीठा, सीका काई का मिक्स पाउडर। मेरे पास इन तीनों का मिक्स पाउडर है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आपके पास इन तीनों में से किसी का भी एक पाउडर हो तो आप इसमें डाल देना आधा चम्मच। आमला, रीठा और सीका काई, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारे बालों को नेचुरली क्लीन करता है और हमारे बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाता है और हमारे बालों में नेचुरल शाइन भी लाता है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच नीम पाउडर। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। ये हमारे स्कैल्प से किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और हमारे डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है और हमारे बालों को नेचुरली लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब आपको इसमें डालना है थोड़ा सा फिल्टर्ड वाटर और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये कुछ इस तरीके का बन गया है। तो ये हमारा शैम्पू रेडी है यूज़ करने के लिए। अब आप इसको नहाने से 2 मिनट पहले अपने बालों में अच्छे से लगा लेना, अपने बालों के जड़ों में, और 2 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करना और फिर अपने बालों को वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद फर्स्ट यूज में ही आप देखना आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। आपके बालों में पहले से ज़्यादा शाइन आ जाएगा। आप जब भी शैम्पू करना तो इसी तरीके से शैम्पू करना। आप 2 से 3 वीक ऐसे ही शैम्पू करके देखो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है आपको ये छोटा सा DIY रेमेडी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।